हाय देयर, आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 504 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिजाइन के मिडटर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज है इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद में कोई मिस्टेक होती है सो वो भी आपके सामने ही आ जाएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि जब एक्टिविटीज होती हैं डिपार्टमेंट के दरमियान रिक्वायर करती है स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑफन दी सोल्यूशन है, वो है क्रॉस फंक्शनल टीम। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटीज ने ये ऑब्जर्व किया कि जो 20 इंडस्ट्रियल फर्म्स है इंग्लैंड के अंदर, और इसके अलावा डिस्कवर किया कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो था रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, वो है टॉम बर्न्स और GM स्टॉकर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वर्क करता है वेल जब ऑर्गेनाइजेशन कैन नो लॉन्गर बी एडिकेटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू वर्टिकल ट्रेडिशनल वर्टिकल हायरार्की के थ्रू। सो जब गोल जो है ओरिएंटेड होते हैं टूवर्ड अडॉप्टेशन और चेंज, सो वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है जिसका मतलब ये है कि मीन्स द यूजेज ऑफ ह्यूज डेटाबेस, यूज करना ह्यूज डेटाबेस का जो अलाउ करता है यूजर को एक्सेस द डेटा डायरेक्टली, क्रिएटिंग करना रिपोर्ट्स और ऑप्टेन करना रिस्पॉन्स टू व्हाट इफ क्वेश्चंस, वो है डेटा वेयर हाउसिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टाइप है डिपार्टमेंटल इंटरडिपेंडेंस की, द आउटपुट ऑफ वन डिपार्टमेंट जो आउटपुट होती है एक डिपार्टमेंट की वो बन जाती है इनपुट दूसरे डिपार्टमेंट का, वो है सिक्वेंशियल इंटरडिपेंडेंस। उसके बाद ये कि कौन सी स्ट्रेटेजी सीम्स टू लाई मिडवे, मिडवे है किसके दरमियान प्रोस्पेक्टर और डिफेंडर के दरमियान, वो है एनालाइजर। और उसके बाद है हमारे पास के इम्पैक्ट क्या है आईटी का ऑर्गेनाइजेशन साइज के ऊपर, अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें जो नंबर ऑफ एम्प्लाई का कॉन्टेक्स्ट है इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो उसका ये इम्पैक्ट होगा कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉई है वो रिड्यूस होंगे। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सम टाइम कहलाता है ऑफिशियल गोल, वो है मिशन। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो सपोर्ट करती है हाई रिस्क टेकिंग को यूटिलाइज करने के लिए न्यू ग्रोथ ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर, वो है प्रोस्पेक्टर। उसके बाद ये कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना, क्या नाम है उस फिनोमेना का जब लीडर्स जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स से जो है वो एक एनवायरमेंट के अंदर आर मेड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो है कोऑप्टेशन। उसके बाद ये कि सिंगल और स्टेबल एनवायरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी लेवल है वो लो है। उसके बाद ये कि जो डायरेक्ट सेटिंग प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन का टिपिकली वो स्टार्ट होता है किसके साथ, विद एन असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। उसकी बात ये कि कौन सी तरह की फोर्स जो है रेस्ट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट कॉपी करने के लिए या मॉडल जो है प्रैक्टिस जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का जब सिचुएशन जो वो अनडिसाइसिव या अनसर्टेन वो मिमेटिक फोर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कैन बी डिफाइन, उसको डिफाइन किया जा सकता है सिंपल के तौर पर एब्सोल्यूट फैक्ट्स और फिगर जो कि डेट में भी ऑफ लिटिल यूज, वो है डेटा। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कंटिजेंसी अप्रोच कंटिजेंसी इफेक्टिवनेस अप्रोच है कंसिस्ट करती है आइडेंटिफाई करना आउटपुट जो है गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के एज अ मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, वो है गोल अप्रोच। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो अनरिटन है लेकिन उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है स्टोरीज स्लगन सेरेमोनीज ड्रेस और ऑफिस लेआउट में, वो है कल्चर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो हिस्सा नहीं है पोर्टर मॉडल्स और स्ट्रेटजीज का, वो है रियल GDP। उसके बाद ये कि पर्टेनिंग टू बैलेंस इफेक्टिवनेस अप्रोच, सो क्या है इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया कस्टमर्स के लिए, वो है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बाद ये कि पर्टेनिंग टू बैलेंस इफेक्टिव अप्रोच, सो इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्रेडिटर्स के लिए क्या है, वो है क्रेडिट वर्थनेस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो डिस्क्राइब करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के विजन, उसकी शेयर वैल्यूज बिलीव्स और रीजन फॉर बींग, वो है मिशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट का, वो है मोटिवेटिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोल होता है लेकिन मोटिवेटिंग नहीं है, सो मोटिवेटिंग ही इसका आंसर है। उसके बाद ये कि फिनोमेना के जो कि स्टेट करता है कि जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको ग्रुप होना चाहिए अंडर वन मैनेजर, सो इस टर्म्ड एज, वो कौन सी टर्म है, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद ये कि पर्टेनिंग टू बैलेंस इफेक्टिव अप्रोच, सो इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्या है ऑनर्स के लिए, वो है फाइनेंशियल रिटर्न। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल एंटिटीज होती है वो लिंक्ड होती हैं किसके साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो इस कंसर्न विद कंसर्न है वो एक्सटर्नल थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज के साथ एड हॉक फैशन के अंदर, वो है रिएक्टर। उसके बाद ये कि जो फाइनल प्रोडक्ट होती है अमाउंट जो फाइनल प्रोडक्ट का और सर्विस आउटपुट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इनपुट, इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी।